ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में जल्द ही निगम के चुनाव जो हैं वो होने वाले हैं। इस बार कांग्रेस की तैयारी कैसी है और कांग्रेस किस मुद्दों पर चुनाव जो है वो लड़ने वाली है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने वाली है, इन सब के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जगदीश बंसल जी। इनसे बारे जानेंगे कि कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से कांग्रेस जो है वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। धन्यवाद। कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं इस बार, क्योंकि पहले देखा गया उपचुनाव में जो आपको एक सीट मिली, आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें हासिल की, भाजपा तो बिल्कुल ही साफ हो गई, तो क्या माना जाए कांग्रेस आगे बढ़ रही है? कांग्रेस डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। कांग्रेस इस बार बीजेपी मुकाबले में नहीं है, सीधा मुकाबला आप पार्टी से होगा। और आप पार्टी जो लोगों को बरगला रही है, लोगों से धोखा कर रही है, और आने वाली उनकी जनरेशन जिनको मुफ्त में बिजली पानी का लालच दिया गया है, वो लोग उनको निकम्मा बना रहे हैं, ये लोग उनके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बेसिकली 200 यूनिट बिजली की और पानी फ्री करने से उन बच्चों का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। हम लोग ये लोगों को समझाएंगे कि आपके बच्चे के लिए नौकरी ज़रूरी है, ना कि बिजली पानी फ्री होना ज़रूरी है। अगर बच्चे को नौकरी मिलेगी और उसको अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो 200 यूनिट बिजली और ये पानी फ्री होने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप उसकी जड़ों में पानी फेर रहे हैं पब्लिक की। नहीं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवा रहे हैं मुफ्त में। मूलभूत सुविधाओं के लालच में उन बच्चों को ये कमाने के नौकरियां नहीं दे रहे हैं, उनको खाली वोट लेने के लिए प्रचार और खाली उनको जो है एक किस्म से नासमझी है उन लोगों की। आज वो गुमराह हैं, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएंगे भविष्य में। उनके बच्चे अगर नौकरियाँ नहीं पाएंगे, सरकार कोई उद्योग को नहीं बढ़ावा दे रही, सरकार कोई उनकी पढ़ाई का ध्यान नहीं कर रही, पढ़ाई पे खाली ये प्रचार कर रहे हैं कि हम उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। मुफ्त शिक्षा तो सभी सरकारें देती हैं, लेकिन ये खाली स्कूल हमने अच्छे बनाए, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल बना दिए। कुछ स्कूल इन्होंने अच्छे किए हैं, सिर्फ ये मानते हैं आपकी कुछ स्कूल अच्छे स्कूल अच्छे किए हैं, ये सच्चाई बोलने में मुझे कोई हर्जा नहीं है। 10-20 स्कूल अगर अच्छे किए, 500 स्कूल का वायदा था कि हम 500 स्कूल नए बनाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने पुराने स्कूलों को कुछ कमरे नए डेवलप करके उनको ये शो ऑफ कर रहे हैं, खाली उनको दिखावा कर रहे हैं कि हमने नई बिल्डिंगें बनाई हैं, ऐसा नहीं हुआ है। स्कूल वही हैं, उनको दोबारा से साज सजावट करके उनको बनाया गया। चलिए बात कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी की आपने बात की, हम लोग सिर्फ एमसीडी में बात करेंगे कि एमसी जो निगम में, क्योंकि चुनाव जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं और करीब 14-15 साल से जो भाजपा है वो शासन कर रही है निगम पर, आम आदमी पार्टी के कई सारे आरोप जो हैं वो भाजपा पर लगातार लगते जा रहे हैं कि आपने आज ये बिल्डिंग बेच दी, आज आपने ये बिल्डिंग बेच दी, नोवल्टी सिनेमा का भी बहुत सारे मुद्दे आए, मुद्दा उठा। क्या कांग्रेस इस बात में एक विपक्ष होके काम कर रहा है? पूरा एक विपक्ष मानता है कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो जग जाहिर है, इन लोगों ने सिवाय बेचने के कोई पार्क, कोई स्कूल, कोई गलियां इन लोगों ने बीजेपी ने बनाई नहीं है। भ्रष्टाचार में इन्होंने खुद अपने 3 निगम पार्षद निकाले हैं, जो ये अपने आप को आज साबित करना चाहते हैं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचारियों को निकाल दिया। क्या सभी को निकाल दीजिए एक बार? भ्रष्टाचार तो सभी निगम पार्षदों ने किया है। एक निगम पार्षद के ऊपर खाली ब्लेम करने से सफाई नहीं हो जाएगी। भ्रष्टाचार तो ये कोई भी निगम पार्षद आज करोड़पति बन के बैठा हुआ है, किस लिए? खाली लेंटर के पैसे इकट्ठा करते हैं। गली मोहल्ले की साफ सफाई, गलियों की नालियों की सफाई इन लोगों ने बिल्कुल नहीं की। आपने पहले भी आपके चैनल ने कवर किया था, हमने आपको दर्शन आपके दिल्ली दर्पण पर देखा कि मंजू खंडेलवाल ने कोई किसी चीज़ को साफ नहीं किया। अभी जल भरा हुआ तो किसकी वजह से? गली नालियां सब बंद पड़े हुए हैं। नहीं, वो तो वहाँ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि जो नाव चला दी हैं, बढ़िया स्विमिंग पूल का इंतजाम कर दिया है दिल्ली सरकार ने। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि विपक्ष में कांग्रेस है, जो कांग्रेस आज अपना वर्चस्व पहले बहुत था, आज सिर्फ जमीनी लड़ाई लड़ रही है कि किस तरीके से जो है वो सत्ता में आया जाए, विपक्ष में आम आदमी पार्टी भी है, उन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो एक साथ है भाजपा के खिलाफ? नहीं, हम लोग तो अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं।
हम आप वालों के साथ किस लिए खड़े होंगे? हमें आप वालों के साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है। मुद्दे तो वही है ना सर? नहीं, मुद्दे वही हैं। लेकिन आप वालों ने भी कोई इतना अच्छा काम नहीं किया जो हम आप वालों के साथ जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे उनके साथ? ऐसी तो उनमें उन्होंने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया, केवल प्रचार किया है कि हम लोग 100 रुपये के काम के लिए 1000 रुपये का प्रचार कर देने से काम नहीं हो जाता है। अच्छा, प्रचार प्रसार वाली आप भी मानते हैं कि उन्होंने बहुत खर्चा किया है? प्रचार पे 526 करोड़ रुपए सालाना खर्चा है, जो कांग्रेस सरकार का 26 करोड़ रुपए हुआ करता था। शीला दीक्षित के टाइम में काम होता था, उसका प्रचार नहीं किया जाता था। प्रचार करने के लिए पब्लिक ने हमें पैसा नहीं दिया है, जनता ने अपने खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में दी है उसको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। शीला दीक्षित का जो दौर है, क्या वो याद आ रहा है दिल्ली की जनता को? आप क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को, कांग्रेस को दोबारा याद कर रही है, इसलिए याद कर रही है कि उन लोगों ने काम किया था और ये सरकारें उसको मेंटेन नहीं कर पा रही हैं। उसका अभी ताज़ा उदाहरण आप लोगों ने देखा कि दिल्ली में नाव चली हैं और दिल्ली में बसें और गाड़ियाँ डूबी हुई नज़र आई हैं लोगों को। शीला दीक्षित ने अगर काम ना किए होते और ट्रैफिक जाम होता, दिल्ली जाम होती और कोई फ्लाईओवर नहीं बना होता, कोई हॉस्पिटल नहीं बना होता। कोरोना काल में लोगों ने देखा, कोरोना काल में लोगों ने, जनता ने भुगता है इन निकम्मी सरकारों को। ऑक्सीजन की कमी हुई है, टाइम पे इलाज नहीं मिले लोगों को, बेड नहीं मिले हैं। जो शीला दीक्षित हॉस्पिटल बना के गई थी उन लोगों को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल सिर्फ हरिशंकर गुप्ता विधायक थे हमारे, उन लोगों की मेहनत से ये पूरा कंप्लीट हो पाया और अभी भी प्रॉपरली ये फुल स्पीड पे नहीं चल रहा है। कौन कर रहा है काम? राजेश गुप्ता प्रचार में लगा रहता है, सुबह पानी आ रहा है जी, पानी नहीं आया जी, ये विधायक का काम नहीं होता है, ये ऑर्डिनरी काम है। ये तो नेचुरली एक बार पता चल जाए, डेली ऐसे इशू उठाना, पानी आ रहा है जी, गुड मॉर्निंग जी, ये काम है। आप जब जाते हैं अपने इलाकों में प्रचार प्रसार करने और जनता से जुड़ने, तो जनता को क्या वो समस्याएं हैं जो अब नज़र आ रही हैं और समझ आ रहा है कि हाँ कांग्रेस का जो दौर है वो मिल जाए? दिल्ली में समस्याएं सारे पार्क में, आप मेरे साथ चलिए, मैं हर इलाके के पार्क आपको सर्वे कराऊंगा। सब पार्क डैमेज हो चुके हैं, पार्कों में कोई सफाई नहीं है, गलियां देख लीजिए, गऊ के गोबर से जो गलियां अटी पड़ी हैं, किसी गली से आप निकल नहीं सकते, नाक पे आपको रुमाल रखना पड़ेगा। जो काम MCD का होता है, MCD ईमानदारी से नहीं कर रही है। आज कोई सड़क कोई प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, मेन सड़कें जहाँ जाम हुए पड़े हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, और आप खुद चलिए मौके पे, मैं आपको एक एक जगह का सर्वे करा देता हूँ। सावन पार्क चलिए, जेलर वाला बाग ने आपने देखा ही था, आपके चैनल ने दिखाया भी था, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि भ्रष्टाचार के अलावा काम पे ध्यान दोनों सरकारों का नहीं है। इस बार निगम में जो पिछले सालों 14-15 सालों से जो भाजपा है, कई आरोप उन पर लगा रही है, आम आदमी पार्टी लगा रही है कि ये भी बेच दिया है और बिल्डिंग्स बेच दी हैं, नोवल्टी सिनेमा इतने का इतने में बेच दिया। आपको यानी कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि वो इतना कम में क्यों बेचना पड़ रहा है और प्रॉपर्टियां क्यों बेचनी पड़ रही निगम की, कांग्रेस को क्या लग रहा है? उनको लोगों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है MCD के पास, सफाई कर्मचारियों की कई कई महीने की तनख्वाह रुक जाती है, जो प्रॉपरली टैक्स कलेक्शन इनको करना चाहिए उस चीज़ से ये कर नहीं पाते। हाउस टैक्स जहाँ जिस सिस्टम से लगना चाहिए उसको ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी से टैक्स आना चाहिए, हाउस टैक्स कलेक्शन कम है। दूसरी बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे पूरी दिल्ली बिकी हुई है। अगर ये इसको ईजी कर दें, रजिस्ट्री अगर ये खोल दें, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स को ये अलाउ करें कि आप अपनी रजिस्ट्री अपने नाम कराइए, तो उससे टैक्स आ सकता है, दुनिया अरबों खरबों रुपया टैक्स का कलेक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा ये लोग करते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का अपना इंटरेस्ट होता है, किसी रिश्तेदार की प्रॉपर्टी है, किसी का ब्लैक मनी में खरीदा हुआ है, शो ऑफ करना नहीं चाहते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। इस बार चुनाव में कांग्रेस का क्या नारा है दिल्ली जनता के बीच में? दिल्ली में काम किया था, काम करेंगे और विकास की राह पर दोबारा ले जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जगदीश बंसल, जो कि डेलीगेट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी हैं, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो इस बार पूरे दमखम के साथ दिल्ली की जनता के बीच जाएगी अपने मुद्दों को लेकर, और जो
आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा पर कि वो भ्रष्टाचार कर रही है इतने सालों से, तो वो उसको उजागर भी दिल्ली की जनता के सामने किया जाएगा। कांग्रेस का सिर्फ एक ही नारा है, कांग्रेस लाओ दिल्ली बचाओ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।